सभी विद्यार्थियों का आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन में जो दूसरा भाग है, कौन सा दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है आपका प्रावधान और संचय। दूसरा पार्ट कौन सा है? प्रावधान और संचय। प्रावधान यानी प्रोविजन, क्या होता है अभी ये होता है प्रोविजन। प्रावधान को क्या कहते हैं? प्रोविजन। और संचय को क्या कहते हैं? रिजर्व है। ये क्या है आपका? रिजर्व है। ये आपका क्या विधान? रिजर्व है, प्रोविजन और संचय। अब प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन जो होता है आपका, वो हमेशा ज्ञात दायित्व के लिए बनाया जाता है, जो ज्ञात हानियां हैं उसके लिए बनाया जाता है। और रिजर्व जो बनाया जाता है, वो आपका अज्ञात के लिए बनाया जाता है। अज्ञात ही हमें पता नहीं है, इसका प्रोविजन जिसके लिए कर रहे हैं वो उसकी हानि सबसे पहले हमें पता है। जैसे हम मशीन खरीदी हमने, हमें पता है मशीन की धीरे धीरे वैल्यू कम होगी डेप्रिसिएशन के तौर पर। हमने लोगों को उधार माल बेचा है तो कुछ पैसे डूब भी जाएंगे, ये भी पहले से पता है। तो उनके लिए जो बनाते हैं वो प्रोविजन है, लेकिन हमें कोई अनुमान नहीं है किसी के लिए भी। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जब आवश्यकता होगी पैसे काम में ले लेंगे। वो क्या है? रिजर्व है। वो क्या है आपका? रिजर्व है, जिसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात। क्या भी अज्ञात? देखो, कुछ खर्चे हानि वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित होती है। वर्तमान का जो चालू वर्ष है उससे संबंधित है, क्योंकि यह वे अभी किए नहीं गए हैं, यानी खर्चे नहीं हुए हैं। खर्चे होंगे भविष्य में, लेकिन पहले ही पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ज्ञात हानि है, हमें पता है 2-3 वर्षों के बाद संपत्ति नई स्थापित करनी होगी, डेप्रिसिएशन के तौर पर इसके मूल्य में कमी आ जाएगी। जिन लोगों को आज उधार बेचा है, हम मानकर चलते हैं कि कुछ पैसे डूब जाएंगे भविष्य में, तो अभी वो हुए नहीं है, भविष्य में होंगे, इसलिए उनकी राशि सुनिश्चित नहीं है कि कितनी डूब जाएगी। सही शुद्ध लाभ हानि निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। हमें पता है कुछ राशि डूब जाएगी, हानि है, हानि हम पीएनएल में दिखाते हैं, ठीक। और डेप्रिसिएशन भी है, लॉस है, वो भी पीएनएल में दिखाते हैं, लेकिन कितना डैप होगा भविष्य में, कितनी हानि होगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। और एक साल में जितना लॉस होगा उसको हम पीएनएल में दिखाकर शुद्ध लाभ क्या करेंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो उधार विक्रय करता है, उधार माल बेचता है, उसे पता है कि चालू वर्ष में कुछ देनदार या तो कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे या आंशिक भुगतान करेंगे, यानी कुछ पैसे डूब जाएंगे, पूरा भुगतान नहीं करेंगे। तो सत्कर्ता और रूढ़िवादिता की संकल्पना के अनुसार, यानी ये जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, ये किस अवधारणा के अनुसार है? रूढ़िवादिता अवधारणा के अनुसार, संकल्पना के अनुसार है। और सही उचित लाभ हानि की गणना के लिए, इसलिए व्यापारी देनदारों से वसूली के समय संभावित हानि के बचाव के लिए संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाता है। किसके लिए? संदिग्ध का मतलब जिस पर हमें डाउट है, भविष्य में कुछ राशि डूब भी सकती है और प्राप्त भी हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से स्थायी संपत्तियों की संभावित मरम्मत और नवीनीकरण के लिए भी, भविष्य में हमें किसी मशीन की सर्विस करवानी हो, रिपेयरिंग करवानी हो या मरम्मत करवानी हो, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था कर लें। और प्रावधानों के जैसे उदाहरण है, कौन कौन से प्रावधान है वो देखिए। अब प्रावधान की बात करें, सबसे पहले संचय की बात नहीं कर रहे हैं, ये देखिए आपके प्रावधान कौन से हैं। जैसे हरास के लिए प्रावधान, हरास का मतलब जैसे आपने एक संपत्ति 1 लाख में खरीदी है, ठीक है, और हर वर्ष इसकी वैल्यू में 10% कमी होती है, यानी 10,000 का नुकसान होता है हर साल, ठीक है। और आपको पता है कि ये मशीन कुछ अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी। अब जिस वर्ष समाप्त होगी, मान लीजिए अब 10-10 के हिसाब से कितने वर्ष, 10 वर्ष चलेगी, कितने वर्ष चलेगी, 10 वर्ष के बाद आपको फिर 1 लाख की आवश्यकता होगी। और 1 लाख के लिए आपको नई मशीन खरीदनी होगी, क्योंकि ये जो मशीन आपने खरीदी है वो तो 10 वर्ष के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, इन काम की नहीं रहेगी, अनुपयोगी हो जाएगी। उस मशीन को उखाड़ फेंकना है और नई मशीन को वहाँ पर स्थापित करना है। उस समय आपके पास, मानना है मैंने तो 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लाखों में जितने भी पैसों की आवश्यकता होगी, हो सकता है व्यापारी एक साथ उसे इकट्ठा नहीं कर पाए, एक साथ
इसलिए व्यापारी क्या करता है, पहले से जब जब लाभ होगा कुछ राशि बचा कर रखता है इसके लिए कि नई मशीन लगानी है, ये जो हानि हो रही है अभी ह्रास के रूप तौर पर उसके लिए प्रावधान कर लेता है। डुब्बत और संदिग्ध ऋण, डुब्बत और संदिग्ध का मतलब क्या होता है, एक तो होता है डुब्बत, एक होता है संदिग्ध। डुब्बत का मतलब होता है पूर्णतः डूब चुकी है, पूर्णतः जो राशि डूब चुकी है, इन व्यक्तियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, वो तो डुब्बत है। और दूसरा क्या है संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब देने से इनकार नहीं किया है लेकिन हमें उन पर डाउट है कि कुछ राशि डूब भी सकती है और राशि प्राप्त भी हो सकती है, वो क्या है संदिग्ध। कर के लिए आयोजन, किसके लिए कर, हमें भी पता है कि वर्ष के अंत में आपको टैक्स चुकाना है और तो टैक्स के लिए भी कुछ आयोजन कर लेते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। देनदारों को छूट के लिए प्रावधान, जैसे दीपावली होली ऐसे पर्वों पर व्यापारी विशेष छूट प्रदान करता है अपने ग्राहकों को। अब छूट में तो लॉस तो होता ही है, जैसे 400 रुपये की एक वस्तु है और हमें ज़्यादा सेल करनी है तो हो सकता है हमें दीपावली के अवसर पर उस वस्तु को 350 रुपये में बेचना हो। जब 350 में बेचेंगे तो सेल ज़्यादा होगी, हमें पता है कि 400 की वस्तु हम 350 में बेच रहे हैं, 50 का तो नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई भी हम अपने लाभों से करेंगे, उसके लिए क्या कर लेते हैं व्यवस्था कर लेते हैं। मरम्मत और नवीनीकरण के लिए प्रावधान, मरम्मत का रिपेयरिंग वगैरह करवानी हो क्योंकि मशीनों की हर महीने हर साल हर दिन भी रिपेयरिंग होगी, उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता होगी। जैसे बिल्डिंग की मरम्मत करवानी हो, नवीनीकरण यानी नई मशीन स्थापित करनी हो, जैसे तकनीक में बदलाव हो गया, जैसे वर्तमान में आपकी जैसे 4G के प्रोडक्ट का निर्माण होता है, भविष्य में अगर 5G आ जाए तो 4G मशीनों को हटाकर 5G मशीनों को सेट करना होगा, नवीनीकरण उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम पहले से प्रावधान कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे क्या है प्रावधान। व्यय और हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि के आगम पर खर्चा है, वर्तमान का चालू वर्ष में, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे देखो, प्रावधान सर्जन व्यय के मिलान को सुनिश्चित करता है, यानी मिलान यानी एक वर्ष की अगर आप इनकम लिख रहे हैं तो एक वर्ष के खर्चे और हानियों को भी लिखेंगे, उसे मिलाएंगे सही लाभ निकल सके, शुद्ध लाभ होगा। और लाभ खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है क्योंकि हानि और खर्चों को नाम मात्र खाते के अनुसार समस्त खर्चों हानियों को डेबिट, नाम का मतलब डेबिट करना, क्या करना है भी सबको डेबिट करना है, ठीक है। और तुलन पत्र, तुलन पत्र क्या है भी, चिट्ठे कोई बोलते हैं तुलन पत्र या चिट्ठा, चिट्ठे में प्रावधान की राशि को निम्न में किसी तरीके से देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है, परिसंपत्ति की ओर से, यानी संपत्ति की ओर से परिसंपत्ति में से घटा, जैसे डेप्रिसिएशन तो हम क्या लिखेंगे चिट्ठी में, क्या लिखेंगे जो भी असेट्स होगी, जैसे एक संपत्ति 1,00,000 की है और एक वर्ष हमने काम में लिया उसे, तो डेप्रिसिएशन के नाम से 10,000 रुपये उसमें कम करने हैं, तो अब अमाउंट में कितने लिखेंगे हम, अमाउंट में लिखेंगे 90,000, अमाउंट में कितने लिखेंगे 90,000, ठीक है। फिर तो उदाहरण के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को देनदारों की राशि में से घटाया जाए, जैसे डेटर है, हमने लोगों को माल बेचा 20,000 का उधार, लेकिन वर्ष के अंत में हमें लगा कि कुछ पैसे तो डूब जाएंगे, PBT 2,000 रुपये डूब जाएंगे, तो कितने रुपये प्राप्त होंगे, शुद्ध अमाउंट 18,000, तो इस राशि को घटाकर भी दिखाया जाएगा, किसमें तुलन या चिट्ठे में, और ह्रास पर प्रावधान को संबंधित स्थायी संपत्तियों में से भी घटाया कर दिखाया जाता है, ह्रास को इसमें से स्थायी संपत्तियों में से इस प्रकार घटाकर दिखाया जाता है, आपको इसमें क्या करना ध्यान रखना है। आगे देखो फिर क्या है, तुलन पत्र में चालू चिट्ठे में चालू करंट लायबिलिटीज के उदाहरण के लिए करों के आयोजन मरम्मत को प्रावधान के तौर पर दिखाया जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स रिपेयर एंड रेमुनेशन को जो है वो हम चिट्ठे में करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। अब प्रावधानों का लेखांकन किस प्रकार होता है, यानी एंट्रियां किस प्रकार होती है वो देखिए, प्रावधानों का लेखांकन सभी प्रकार के प्रावधानों का लेखांकन लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए यानी सबकी एंट्री एक जैसी होती है, बस नाम चेंज करना है, प्रोविजन फॉर बैटर, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नाम अलग होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जब भी व्यवसायी लेन उधार किया जाता है तो देनदार खाता बनाया जाता है, क्योंकि उधार माल बेचने पर क्या होता है डेटर होता है, और इसके शेष को तुलन पत्र चिट्ठे में संपत्ति की ओर दर्शाया जाता है, और ये देनदार 3 प्रकार के होते हैं, सही देनदार वे होते हैं जिन्हें वसूली निश्चित है, सही
डुबत संदिग्ध, सही या इसे अच्छे देनदार भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छे देनदार, सही देनदार, शुद्ध देनदार, यानी ऐसे व्यक्ति जिनसे पूरे रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे अच्छे देनदार, जैसे किसी व्यक्ति को 10,000 का माल बेचा, हमें पता है कि पूरे 10,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, वो अच्छे देनदार, वो हमारे अच्छे यानी सही देनदार। दुपत्रित वह देनदार जिनसे वसूली की कोई संभावना नहीं है, हानि की राशि जमा में लिखी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनको हमने 10,000 का माल बेचा, लेकिन हमें पता है कि 100-200 रुपये वो हमेशा ही खा जाते हैं, हमेशा ही कम देते हैं। मान लीजिए 200 रुपये कम देंगे तो 9,800 रुपये प्राप्त होंगे, 200 रुपये कभी नहीं देंगे, 200 रुपये डूब चुके हैं आपके। क्या चुके? डूब चुके हैं, वो डूबत है, डूबे, मना ही कर दिया, नहीं देंगे। संदिग्ध का मतलब हमें डाउट है, दे भी सकते हैं नहीं भी। तो संदिग्ध ऋण वह देनदार होते हैं जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उन्हें पूरी राशि की वसूली की आसान नहीं है, संभावना चल रही है। व्यवसाय के अनुभव से पता लगता है कि ऐसे देनदारों का कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं करेगा। वैसे जो व्यक्ति यानी व्यापार में जो व्यक्ति उधार माल बेचता है, जो भी व्यापारी उधार बेचता है, 100% कुछ न कुछ राशि उस व्यापारी की डुबत ऋण में जाती है। ऐसा कोई व्यापारी नहीं जिसकी डुबत ऋण न हो। तो व्यापारी को पता है कि हर वर्ष उसको 10% डुबत ऋण में जाए, 20% डुबत ऋण में जाए। तो जो भी 10% या 20% डुबत ऋण में जा रही है राशि, क्यों ना उसका पहले से प्रावधान, पहले से उनकी व्यवस्था कर ली जाए, पहले से उनकी क्या कर ली जाए, व्यवस्था कर ली जाए। ये इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या है भी? संदिग्ध ऋण देनदार वे होते हैं जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उसे पूरी राशि वसूली की आशा नहीं है। व्यवसाय के अनुभव से पता चलता है कि ऐसे देनदारों का कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं करेगा, इसलिए उन्हें संदिग्ध ऋण माना जाता है। यदि संदिग्ध देनदार भुगतान नहीं करते हैं तो सही लाभ हानि निकालने के लिए ऐसी संभावित हानि के लिए एक सामान्य व्यवहार है और आवश्यक भी है कि संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए। जो राशि भविष्य में डूबने की संभावना है राशि के लिए क्यों न पहले से प्रावधान कर लिया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को देनदारों पर सभी डुबत ऋण जिसकी पहले से ही जानकारी है को घटाकर निश्चित प्रतिशत से किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को डुबत ऋण, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कहते हैं। दोनों के लिए करें, जो डूब रहे हैं उनके लिए भी करें, जो संदिग्ध है उनके लिए भी करें। या अच्छे देनदारों के लिए प्रावधान करना चाहिए क्योंकि उनकी पूरी राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। जिनकी पूरी राशि डूब जाएगी उनके लिए, पर हमें डाउट है, संदिग्ध है, उन पर इस प्रकार के प्रावधान सर्जन के लिए प्रावधान की राशि लाभ हानि खाते में किस पक्ष में? नाम पक्ष में। जब भी हम P&L अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट पक्ष में, क्योंकि समस्त खर्च और हानियों को हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, किसान में डीआर साइड में दिखाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसका जो प्रावधान है वो आपको जमा पक्ष में लिखना है, जमा पक्ष में। क्योंकि लाभों से करेंगे तो एंट्री P&L अकाउंट डीआर एंट्री का होगी, प्रावधान करते हैं तो एंट्री ये होती है, देखो P&L अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स या डेप्रिसिएशन या डिस्काउंट जो भी है। देखो ये रही एंट्री, देखो संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रावधान जैसे लाभ हानि खाते से करना है तो आपको सबकी एंट्री यही करनी है, P&L टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कह सकते हैं या डाउटफुल डेब्ट्स कह सकते हैं, या आपने डेप्रिसिएशन के लिए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या लिखना है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर इसके अलावा आपको डिस्काउंट के लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये लिखना है, डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी डेटर को जो हमने डिस्काउंट दिया है उसके लिए। तो सब प्रावधान की एक ही एंट्री होती है, P&L टू ये प्रावधान होगा, ये ध्यान रखें। अब देखो अभी एक प्रश्न है आपका कि आपका कुल डेटर है 68,000, डेटर कितने हैं कि 68,000,
डूब पत्र जिनका लेखा नहीं किया गया 8000 डूब चुके हैं। कितने डूब चुके हैं? 8000। देनदारों पर 10% का आपको प्रावधान करना है। तो देखो अभी एंट्री देखिए क्या एंट्री है। देखो 68000 के डेटर हैं, कितने के 68000, और 8000 डूब चुके हैं। तो डूबने की एंट्री 8000 डूब चुके जिनका लेखा हुआ नहीं है, तो एंट्री हानि है। हानि को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैड अकाउंट डीआर टू, डुबोने वाला कौन है? डेटर। डुबोने वाला कौन है? डेटर। कितने से? 8000 से। उसके बाद इस हानि को किस में ट्रांसफर करना है? पीएनएल में। ये डीआर है तो इसको क्या कर दिया हमने? सीआर। तो एंट्री क्या हो गई? पीएनएल टू, ये डीआर है, इसको सीआर करके इस खाते को हम बंद कर देते हैं। तो क्या लिखना है? बैड डेट्स लिख दिया। आगे देखो, उसके बाद लाभ हानि खाते से प्रावधान करना है। प्रावधान का कैसे करना है? देखो अब प्रावधान यानी डूबने की जिस पर संभावना है उनके लिए प्रावधान करें। आपने किसी को 68000 का माल बेचा, कितने का बेचा? 68। उसमें 8000 तो डूब चुके हैं, अब बताइए कितने और बचे? 60000। अब डूबने की संभावना किस पर है बताइए? 68000 + 60000, 8000 तो डूब चुके हैं, इस पर क्या संभावना है? वो तो पूर्णतः डूबत है। अब बचे 60000। अब हमें पता है जो बच गए हमारे डेटर 60000, उनमें कुछ राशि डूबने की संभावना हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10%। तो 60000 उसका हमें लगता है वो संदिग्ध है, उन पर डाउट चल रहा है कि 10% से वो डूब सकते हैं। मान लीजिए 6000। कितने डूब सकते हैं? 6000। तो इसके लिए पहले से क्या कर लेते हैं? प्रावधान। तो प्रावधान जो भविष्य में हानि होने वाले उसके लिए करें। हमें पता है कि भविष्य में 6000 और डूब सकते हैं, तो एंट्री क्या हो गई? पीएनएल अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल 6000, ये ध्यान रखना है। अब संचय, संचय मैंने क्या बताया आपको? संचय एक अज्ञात हानि है, अज्ञात हानियों के लिए बनाया जाता है। लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय में संचित किया जाता है। हमारी भाषा में पैसे बचत किए जाते हैं रिजर्व के तौर पर, जैसे आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो रिजर्व के तौर पर, और उस बचत का आपका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, तो किसी के लिए भी काम में ले सकते हो, किसी भी चीज़ में काम में ले सकते हो। इसे विकास विस्तार जैसी विकास का बढ़ाना हो और उसमें विकास करना जैसी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और कर्मचारियों की अचानक, जैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं अचानक किसी का मशीन में हाथ आ गया तो हो सकता है उसके लिए हमने कोई व्यवस्था, या किसी की मृत्यु हो गई ठीक, या किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो गई जिसकी आंकलन हमने नहीं किया था, जिसके होने की संभावना पहले से नहीं थी, अचानक हो गई, उसके लिए हमें क्षतिपूर्ति करनी होगी, उससे हिस्से कर दें। भविष्य की कोई आकस्मिक अचानक घटनाएं की पूर्ति की, अचानक बाढ़ आ गई, अचानक भूकंप आ गया, जिसके बारे में हमने आंकलन नहीं किया और उससे जो भी हानि होगी किसे की जाएगी? संचय से, यानी रिजर्व से। संचय साधन से संभव है कि प्रावधान भिन्न व्यवसाय की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संचय का लाभ का समायोजन है, और ये लाभों पर क्या है? भार नहीं है। लाभों पर भार, भार का मतलब जिसे चुकाना हो खर्चा हो वो भार होता है, ये खर्चा नहीं है। ये तो हम अपने भविष्य में जो भी हानि उनकी पूर्ति के लिए, और ये बिजनेस की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता है। वित्तीय का मतलब अगर आपकी भी पैसे बचत करने की आदत है तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं हो, कब भी हानि हो तो आप उस रिजर्व का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखो, भविष्य में उपयोग भविष्य में किसी देयता के भुगतान या संभावित हानियों की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता, यानी जो संचय है, जो भविष्य में कोई खर्चा हो या जो ज्ञात हानि हो उनके लिए काम में नहीं लिया जाएगा। संचय के रूप में लाभ हानि को रोकने से व्यवसाय के स्वामियों में वितरण के लिए राशि कम रह जाएगी। अगर हम कुछ लाभ रोक कर रख लेंगे, जैसे एक फर्म को लाभ हुआ 10000 रुपये, और हमने 2000 रुपये रिजर्व में डाल दिए, बचे कितने? 8000। अब व्यापार के जो मालिक हैं वो कितने राशि डिवाइड करेंगे, 10000 का लाभ या 8000? अब वो 8000 लाभ का विभाजन करेंगे, स्वामियों को पूंजी कम मिलेगी लाभ के तौर पर। और इसे तुलन पत्र के देयता पक्ष किसमें? दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में पूंजी की मद के पश्चात संचय और आधिक्य
शीर्षक में दिखाया जाएगा, इसमें संचय और आदि के शीर्षक में दिखाया जाता है। और इसके उदाहरण है देखो कौन कौन से, सामान्य संचय, जर्नी जर्व कर्मचारी, क्षतिपूर्ति, वर्क में कॉम्पेंसेशन फंड हो गया, निवेश परिवर्तन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्शन फंड हो गया, और कौन सा है, पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व हो गया, लाभांश इन्फ्लेशन हो गया, डिविडेंड इन्फ्लेशन हो गया, ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय, यानी किसके लिए भी, ऋण पत्रों के शोधन के लिए, तो आपका कौन सा है, डिविडेंड डिवेंचर रिडम्पशन फंड रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी देखो सामान्य कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, नॉर्मल हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कर्मचारी को अगर क्षति होगी, किसको क्षति होगी, कर्मचारी को क्षति, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अगर क्षति होगी तो उसका हम भुगतान कर देंगे, वो कौन सा है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। निवेश परिवर्तन कोष, यह है इन्वेस्टमेंट, निवेश का इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है अगर उसमें किसी प्रकार की हानि होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट में निवेश में कोई हानि होगी तो उसकी पूर्ति। पूंजी संचय, पूंजी संचय का मतलब विशेष संचय का निर्माण होता है, इसमें लाभांश, अगर किसी प्रकार का लाभांश का भुगतान डिक्लेयर करना इसमें हो जाएगा। ऋण पत्रों का शोधन, शोधन का मतलब होता है भुगतान, अगर हमने किसी से ऋण लिया और उसे पत्र दिया, ऋण पत्र, अब पैसे तो ले लिए, एक वर्ष बाद, दो वर्ष बाद, उस अवधि के बाद उसको भुगतान किया जाएगा, और भुगतान करने को क्या कहते हैं, शोधन, शोधन करना, तो भुगतान को क्या कहते हैं, शोधन, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, प्रावधान और संचय में क्या अंतर है, संचय देखो अंतर मूलभूत प्रकृति, प्रावधान लाभ पर भार है, प्रावधान क्या, लाभ पर भार है, क्योंकि हानि होगी, संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, अगर उधार बेचा है तो बैड डेब्ट्स होगा, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट की हानि को लाभों का क्या माना जाता है, प्रभार माना जाता है, हानि होगी, लेकिन संचय लाभों का समायोजन है, क्यों, ये भार नहीं है लाभों पर, ये पैसे इकट्ठे, इसलिए लाभ हानि खाते के नाम पर सभी प्रावधानों को लिखे बिना लाभ की गणना नहीं की जा सकती, यानी पी एंडल में लिखा जाता है, पी एंडल टू टू लगाकर एंट्री करते हैं, पी आर में लिखेंगे, जबकि संचय का सजन लाभ ज्ञात करने के पश्चात है। क्या उद्देश्य होता है, ये तो विशेषता होगी, ये तो लाभों का क्या है, प्रभार, लाभों का क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, चालू लेखा अवधि के लिए दी गई देनदारी या कर्जों के लिए प्रावधान किया जाता है, हमने किसी को उधार मार बेचा या जो भी खर्चे उनके लिए पहले से व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भविष्य में नुकसान होगा उसके पहले से व्यवस्था, जिसकी राशि निश्चित नहीं है, प्रावधान किया जाता है, जबकि संचय का सृजन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। तुलन पत्र में प्रस्तुति, तुलन का मतलब चिट्ठे में संपत्ति में दिखाया जाता है दायित्व में, देखो प्रावधान परिसंपत्ति में इसके लिए इसका सर्जन किया गया है तो घटाकर, अगर हो गया है जैसे बैडअप के लिए प्रावधान किया, बैडअप हो गया तो डेटर में से, डेप्रिसिएशन है तो संपत्ति में से घटाइए, लेकिन रिजर्व जो है सामान्य संचय वो आपके दायित्व पक्ष में, रिजर्व एंड संचय, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी संचय और आधिक्य में दिखाया जाता है। चालू देयता के साथ देयता पक्ष में दिखाया जाता है इसको, और अगर आप दायित्व पक्ष में दिखाना चाहते हैं तो करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, लेकिन संचय जो है वो पूंजी के पश्चात, हमारा जो कौन सा होता है, संचय और आधिक्य, कौन सा जो हमने पढ़ा था, संचय दायित्व पक्ष में, पूंजी के बाद होता है संचय और आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस उसमें दिखाया जाता है, ठीक है। कर योग्य लाभों की गणना पर प्रभाव, कर योग्य लाभ ज्ञात करना चाहते हैं तो प्रावधान कर योग्य लाभ की गणना से पहले घटा दिया जाता है, क्योंकि जो टैक्स चुकाया जाता है वो तो शुद्ध लाभों पर चुकाया जाता है, और ये बिजनेस की हानि है, प्रोविजन क्या है, बिजनेस की हानि है, लॉस है, उसे घटा दिया जाता है, इसलिए इसे कर से कर योग्य लाभ कम हो जाता है, यानी जो लाभ गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना है उसके लिए लाभ कम हो जाएगा, संचय करके पश्चात घटाया जाता है, क्योंकि ये कोई हानि नहीं है, ये तो हम शुद्ध लाभ कुछ बचत कर रहे हैं, तो ये तो बाद में घटाया जाता है, प्रोविजन पहले घटाया जाता है, कब भी ये पहले घटाया जाता है, ये पहले, ये बाद में। बाध्यता, संपत्ता तो अनुबाध्यता, यानी प्रावधान किस में बनाया जाता है, प्रतिबाध्यता संकल्पना के अनुसार, सही और उचित लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए बनाया जाता है, किसके लिए भी, सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान लाभ न होने की स्थिति में भी बनाया जाता है, प्रावधान तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो,
बनाया जाता है, लेकिन संचय संचय तो लाभ होने की स्थिति में ही बनाया जाता है, क्योंकि लाभ होगा तब बचत करेंगे। अब लाभ है ही नहीं तो बचत किसकी करेंगे? तो संचय, जबकि संचय का सृजन प्रबंध वो इच्छा पर भी निर्भर करता है, वो चाहे तो कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। और कानून में विशिष्ट संचय के लिए कोई नियम बनाए गए हैं, जैसे ऋण शोध संचय, यानी किसी को भुगतान करना है उसके लिए लाभ न होने पर नहीं हो सकता, लाभ होने पर ही होगा। लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग, प्रावधान को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता, ये ध्यान रखें, प्रावधान को लाभांश में नहीं बांटा जा सकता लेकिन संचय को लाभांश में बांटा जा सकता है, ये ध्यान रखें। ये आपका अलग से दिया हुआ, देखो शॉर्ट वापस, लाभों पर क्या है भार, लाभों का समय में जो भी डेटा वगैरह उनसे लॉस होता है, और ये व्यवसाय की क्या करता है वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता है। बस करयोग्य लाभ ये लाभों को कम करता है, और ये करयोग्य लाभ के बाद, यानी लाभों पर इसका कोई प्रभाव है, करयोग्य लाभों पर इसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि करयोग्य लाभ के बाद होता है। जैसे आपका प्रॉफिट, क्या हुआ अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट में से माइनस क्या करना है प्रोविजन, ये घटा दीजिए, घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स घटाने के बाद, उसके बाद क्या घटाना चाहिए, उसके बाद इसमें से रिजर्व यानी संचय घटाया जाएगा। करयोग्य लाभों पर ये प्रभाव करता है, ये कोई प्रभाव नहीं करता, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स सॉरी आफ्टर के बाद घटाया जाता है, प्रोविजन पहले घटाया जाता है, कब, करयोग्य लाभों से पहले, और संचय करयोग्य लाभों के बाद घटाया जाता है, ठीक है। तुलन पत्र का मतलब जब चिट्ठा तैयार करते हैं तब वैसे दोनों दायित्व पक्ष में भी दिखा सकते हैं, ये कमीशन दायित्व पक्ष के पूंजी शीर्षक में, किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस यानी संचय और आफ्टर जाता है, लेकिन संपत्ति पक्ष में संपत्ति में से घटाकर भी दिखाया जा सकता है, और चालू दायित्व पक्ष में लायबिलिटीज भी दिखाया जा सकता है। प्रावधान करना आवश्यक, संचय करना आवश्यक नहीं, वो प्राप्त प्रबंधकों की इच्छा पर डिपेंड करता है। लाभांश के भुगतान के लिए का उपयोग किया जा सकता है, ये देखिए। फिर देखो सबसे पहले बात करते हैं संचय के प्रकार, व्यवसाय के लाभों को रोककर संचय का निर्माण या सामान्य या विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। बिजनेस के जो भी लाभ है उस लाभों को रोककर कुछ लाभों को बचाकर हम क्या कर सकते हैं, संचय का निर्माण कर सकते हैं, किसका निर्माण कर सकते हैं, संचय का निर्माण कर सकते हैं। सामान्य संचय का मतलब जर्नल रिजर्व है जो आपका है, कौन सा है ये आपका जो जर्नल रिजर्व है, जब संचय का निर्माण कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, नाम से होता है सामान्य, कोई विशेष उद्देश्य का नाम नहीं लिखा हुआ इसके साथ, तो इसे सामान्य संचय कहते हैं, इसे स्वतंत्र संचय भी कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब किसी में भी काम में लिया जा सकता है, क्योंकि प्रबंधक इसे स्वतंत्र संचय किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं है, नाम नहीं लिखा इसके आगे, रिडम्पशन है, डिवेंचर है, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब किस बिजनेस में कोई भी नुकसान हो किसी प्रकार की हानि की पूर्ति इसका उपयोग किया जा सकता है। सामान्य संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को क्या करता है, सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, पैसे के मामले में संस्था को सुदृढ़ करता है। विशिष्ट, नाम से पता है विशिष्ट कोई कोई विशिष्ट का मतलब निर्माण करना, विशिष्ट संचय वह संचय जो जिसका निर्माण का निर्माण करने के लिए काम में लिया जाता है वो क्या है, विशिष्ट है, जिसका उपयोग उन्हीं उद्देश्यों में किया जाता है जिसके लिए निर्माण है। जैसे कौन कौन से विशिष्ट को, सबसे पहले लाभांश सामान्यकरण संचय, नाम से ही पता है लाभांश के लिए, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दिया हुआ, देखो विनियोग परिवर्तन कोष इन्वेस्टमेंट के लिए, ऋण पत्र शोधन संचय ऋण पत्र के लिए, आयगत हो गए इतना ही, देखो लाभांश के लिए, जब संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने और समान रखने के लिए किया जाता है, नाम लाभांश सामान्यकरण समान यानी
लाभांश की दर को बराबर रखने के लिए लाभ अधिक होने वाले वर्ष में राशि को लाभांश संचय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आपको किसी व्यक्ति को 2,000 रुपये हर साल लाभांश देना है, एक साल लाभ कम हो सकता है, एक साल लाभ ज़्यादा हो सकता है। जिस वर्ष लाभ ज़्यादा होगा, जितना डिविडेंड से लाभ ज़्यादा है वो इस डिविडेंड में ट्रांसफर कर दो। जिस वर्ष लाभ कम होगा, लाभांश तो उतने देना है, फिर इस राशि से उसे लाभांश का भुगतान करना है। तो कहने का क्या कि लाभ अधिक होने पर वर्ष में राशि को लाभांश संचय में ट्रांसफर कर दीजिए, सामान्यकरण संचय में सामान्य उसमें डाल दीजिए। यदि किसी वर्ष में लाभ कम होता है तो इस संचय की भी राशि से लाभांश की दर को समान रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को 2,000 का डिविडेंड देना है, लाभ आपके 1,000 रुपये हो सकता है और आपको लाभ 3,000 हो सकता है। अगर लाभ कम होता है तो पैसे 1,000 से लेकर 2,000 का बुक किसे सॉरी अगर आपको लाभ कितने का हुआ, आपको डिविडेंड चुकाना है और फंड में जितने भी पैसे पड़े हैं, 2,000 चुकाने कितने कम पड़ गए, 1,000 किसे देने इस खाते से, 1,000 + 1,000 2,000 जोड़कर भुगतान कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर लाभ 3,000 हो गया, पैसे तो 2,000 देने हैं, जो एक्स्ट्रा है इसमें डाल देंगे, कम होंगे तो इसे लेंगे, ज़्यादा है तो इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर आगे कर्मचारी क्षति, यदि कर्मचारी को कोई क्षति होगी तो उसकी पूर्ति करेंगे, कर्मचारी को क्षति पर पूर्ति करेंगे उसके लिए दुर्घटना के कारण कर्मचारी के द्वारा कोई दावा किया जाता है, कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रसित हो गया, अभी हानि हो गई, जो हमने किया है उसमें किसी प्रकार की कमी या वृद्धि होती है, कमी होने पर नुकसान होगा उसकी पूर्ति करेंगे, वृद्धि होने पर इसमें पैसे डाल देंगे। इसका बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके उतार यानी कमी चढ़ाव यानी कमी वृद्धि होती है के कारण विनियोग की कीमत पूर्ति के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।